तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, रेडी फॉर व्हाट फॉर थर्ड बॉम्ब। एज आई सेड, शाहरुख खान 2023 में 3 बॉम्ब लगातार फोड़ेंगे, जिसमें से 2 बॉम्ब ये फोड़ चुके हैं पठान और जवान के रूप में। तो जवान से जो रोज हिस्ट्री लिखी जा रही है SRK के द्वारा, वो हम सब देख ही रहे हैं। तो हिस्ट्री का नाम आया तो पठान और जवान एक बार के लिए ऐसा मोमेंट ही लग रहा है कि बॉलीवुड ने अपनी रद्दी कॉन्टेंट से अभी कुछ टाइम पहले तक परेशान करके रख दिया था। जैसे जापान ने World War II के टाइम परेशान कर दिया था और 2 एटोमिक बॉम्ब फेंक के जब USA ने मारा उनको, तब जाके वो काबू में आए। सेम SRK ने बॉलीवुड को काबू में लाने के लिए, ट्रैक में लाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसे पठान और जवान के रूप में 2 बॉम्ब फेंक के मारे, तब जाके बॉलीवुड अपनी नाम बचा पाया, तब जाके बॉलीवुड अपनी कहानी बचा पाया है। और मैं सही में बताऊं तो पठान और जवान के रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के लिए कोई भी ढंग से तैयार नहीं था, और इन दोनों फिल्मों के प्रहार से अभी उभर ही नहीं पाए थे कि तीसरी मूवी भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। जी हां दोस्तों, डंकी मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है। शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्टर सहित डंकी मूवी का अनाउंसमेंट किया। जी हां दोस्तों, 22 दिसंबर क्रिसमस के पास तीसरा बॉम्ब सॉलिड तरीके से फूटने वाला है SRK का। भाई मैं फिर कह रहा हूं, 2023 की जब भी बात होगी SRK की इमेज अपने आप लोगों के सामने आ जाएगी, कभी पठान बनकर, कभी जवान बनकर, और द फाइनल शोडाउन डंकी बनकर। मैं सही बताऊं तो ऑडियंस बिल्कुल तैयार नहीं है डंकी मूवी के लिए, क्योंकि मूवी आएगी और हमें इस ग्लोरी डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगी। इतना सॉलिड रिस्पांस देखने को मिलेगा बाय गॉड, और इस बार लिख के ले लो USA से, ओवरसीज से दबा के कलेक्शन आने वाली है, क्योंकि USA में क्रिसमस वीक एंड ऑफ द ईयर तक चलता है, तो इतना हॉलीडे मिलेगा तो डंकी को सीधा फायदा मिलना ही मिलना है। साथ में क्रिसमस हॉलीडे का इंडिया में भी भरपूर फायदा उठाएगी मूवी। बीच में फिर सैटरडे संडे भी आएगा, उसके बाद 31 दिसंबर, देन न्यू ईयर। भाई मैं कह रहा हूँ 2024 2 जनवरी तक मूवी 1200 करोड़ टच करेगी ही करेगी, डेफिनेटली। क्योंकि भाई SRK को सीधा बूस्टर पहले तो जवान और पठान की इमेज से मिलेगा, क्योंकि 2 ब्लॉकबस्टर लगातार निकाल चुके हैं, तो अब सीधा लोगों के दिमाग में ये सेट हो चुका है कि यार SRK तो बढ़िया ही फिल्म निकाल रहे हैं। और फिर इस बार तो डायरेक्टर राजकुमारी हिरानी का नाम भी जोड़ा पड़ा है डंकी मूवी के साथ, तो फिर तो कोई कमी देखने को ही नहीं मिलेगी। SRK की परफॉर्मेंस हमें पठान और जवान में ने देख ही ली है, एक्टिंग वाइज कहें तो कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहेंगे डंकी में भी। दूसरा, चलो पठान में स्टोरी में उतना दम नहीं था, लेकिन जवान निकाल के कुछ एक लोगों के मुंह बंद भी करा दिए। पठान में जो चलो एक्शन था, तो जवान में एक्शन के साथ स्टोरी भी फाड़ू है, तो स्टेप टू स्टेप ये बंदा अपनी लेगेसी को खुद में ही कंप्लीट करते हुए जा रहा है। और सीधा देखकर ये लग रहा है कि अब इस बंदे का कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है, ये बंदा खुद से ही कंपीट कर रहा है, क्योंकि सारी हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड तो इसने तोड़ ही दिए, तो अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड बीट डाउन कर रहा है लगातार। लाइक जवान जो अभी इस टाइम ग्रोथ कर रही है, पठान के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, कोई भी नहीं। क्योंकि जब पठान रिलीज हुई थी, पठान ने एंट्री मारी थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार इस फिल्म को अब कौन तोड़ेगा। बहुत सी प्रिडिक्शन चल रही थी कि गदर 2 तोड़ देगी, लेकिन एक बार के लिए गदर 2 भी रह गई, लेकिन जब जवान आई तो जवान ने इसके सारे रिकॉर्ड बीट डाउन कर दिया। सिंगल डे में हाईएस्ट ग्रोसिंग के मामले में बीट डाउन कर दिया, सिंगल डे में ओवरसीज से कितनी कमाई कर रही है उसके रिकॉर्ड में भी बीट डाउन कर दिया, और पहले फास्टेस्ट 5 दिन में ही 520 करोड़ के आंकड़े को टच करके वो रिकॉर्ड भी बीट डाउन कर दिया। तो बहुत से रिकॉर्ड बीट डाउन कर दिया, मैं गिना नहीं पाऊंगा आपको यहां पर इतने रिकॉर्ड से। तो भाई साहब मैं कह रहा हूं, डंकी पैन इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इवन बाहुबली 2 के अनबीटेबल अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने की दम रख रही है बाय गॉड। और साथ में राजकुमार हिरानी का ये जो नाम जुड़ा है ना, ये प्रीशियस नाम, ये बंदा ये पॉसिबिलिटी और बढ़ा देता है कि डंकी मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट होने से, 2000 करोड़ टच होने से, और बाहुबली 2 के अनबीटेबल रिकॉर्ड को तोड़ने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा बाय गॉड। तो भाई मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड अपनी हिंदी सिनेमा की मूवी डंकी तोड़ पाएगी या नहीं, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। और फर्स्ट डे ही क्या 150 करोड़ का बिजनेस मूवी करेगी या नहीं करेगी अपने ओपनिंग डे में, और हिंदी से फर्स्ट डे ही सिर्फ हिंदी से 80 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी या नहीं करेगी ये मूवी, ये सब कुछ आप लोग बताएंगे अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस, अपनी बात हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर नीचे जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।